जिले में लगातार हो रहे रेत के अवैध उत्खनन पर रायगढ़ पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है, जिसके बाद पुलिस द्वारा नदियों से निकाली जा रही रेत पर नजर रखी जा रही है। भूपदेवपुर पुलिस ने मान नदी मुरा घाट में 10 डिपार एक लोडर मशीन की जब्ती की है। जिले में हो रहे रेत के अवैध उत्खनन पर रायगढ़ पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है, जिसके बाद पुलिस द्वारा नदियों से निकाली जा रही रेत पर लगातार नजर रखी जा रही है। भूपदेवपुर पुलिस ने मान नदी मुरा घाट में 10 डिपार एक लोडर मशीन की जब्ती की है। पुलिस को देख अवैध उत्खनन में लगे वाहन के ड्राइवर वाहनों को छोड़कर भाग खड़े हुए। मौके से मुंशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे भूपदेवपुर पुलिस की कार्यवाही जारी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 14 अक्टूबर के दोपहर 12:30 बजे थाना प्रभारी भूपदेवपुर निरीक्षक उत्तम कुमार साहू द्वारा मान नदी के मुरा घाट पर अवैध रूप से रेत के उत्खनन की सूचना पर पुलिस टीम के साथ जाकर दबिश दिया गया। पुलिस टीम की घेराबंदी देख टीपर व चेन लोडर मशीन के वाहन चालक वाहन छोड़कर भाग गए। पुलिस ने मौके पर मुंशी विक्की सोनी को हिरासत में ले लिया है तथा 7 रेत लोड टिपर, 3 खाली टिपर एवं 1 रेत लोडर मशीन को जब्त किया गया है। थाना प्रभारी भूपदेवपुर निरीक्षक उत्तम साहू द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर आरोपियों के बारे में पता करने की कार्यवाही की जा रही है। रायगढ़ के थाना भूपदेवपुर में जो मांड नदी के पास मुरा घाट है, वहाँ पे लगातार शिकायत मिल रही थी कि वहाँ अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है। इस पर से थाना प्रभारी भूपदेवपुर के द्वारा रेड कार्रवाई की गई थी, जहाँ पर से करीब 10 गाड़ियाँ बरामद हुई और एक लोड करने वाली मशीन और जिसमें से 7 जो ट्रकें थी उसमें रेत लोड किया जा चुका था। मौके पर जैसी पुलिस पहुंची है तो वहाँ जितने ड्राइवर और खलासी वहाँ मौके से भाग गए, लेकिन गाड़ियों की जब्ती की गई है। वहाँ एक व्यक्ति भी मिला है जिनकी संलिप्तता इस सारे चीज़ों में है और इसमें गाड़ी नंबर और उनके मालिक के आधार पर बाकी ड्राइवर और उनके जो मेन सरगना है उनकी तलाश की जा रही है और सारे गाड़ियों को भी थाना भूपदेवपुर में लाया गया है। सीसी कार्रवाई की गई है, बाकी आरोपियों की पूछताछ की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि इसमें बहुत जल्द ही बाकी आरोपियों का और मुख्य सरगना का इसमें गिरफ्तारी की जा सके। लगातार वैसी कार्रवाई चल रही है। हाँ, ये जहाँ भी सूचना मिलती है उसमें कमोबेश सभी जगह कार्रवाई की जा रही है और ये सूचना लगातार हमको मिल रही थी। बाकी जिले के अन्य भी जो जगह है जिस प्रकार से जो अवैध उत्खनन का कार्य कर रहे हैं सभी पे कार्रवाई की जा रही है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN24।